क्लास 8 चैप्टर 13 नेम इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2। एमडीटी क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसमें से क्या बताने की, इसमें से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है, कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है, बस ये बताना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ये दोनों चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर की हैं, जैसे कि चैप्टर का नेम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है, आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखना, तो आप दोनों एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, सिर्फ क्वेश्चन लिखा आएगा, उसमें ये लिखा नहीं आएगा कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनवर्स है, ये आप लोग खुद चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो जरूर देखना इंट्रोडक्शन वाली, तो तभी आप लोग ये समझ आएगा। ओके, इसमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया हुआ है, उससे ये बताने की कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर भी वन टाइम देख लीजिए कि इनवर्स एंड डायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, अगर जैसे कि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन है, ठीक है, एनी कंडीशन गिवन है, तो अगर दोनों चीजें इंक्रीज हो रही होंगी या दोनों चीजें डिक्रीज हो रही होंगी, तब क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, या फिर सेकंड, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या है कि अगर वन डिक्रीज, वन इंक्रीज एंड वन डिक्रीज हो रहा है, या फिर वन डिक्रीज वन इंक्रीज हो रहा है, तब क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। गोट इट, ये कंडीशन समझ आई, बस यही कंडीशन इस पे समझना है। ओके, हर एक क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि कौन सा इनवर्स है कौन सा डायरेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये बताने की डायरेक्ट सिर्फ ये बताने की इनवर्स प्रोपोर्शन कौन सा है। ठीक है, जो बच्चे का वो डायरेक्ट हो गई, ठीक है, अपन आंसर से इनवर्स राइट करेंगे। द नंबर ऑफ वर्क, फर्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंटर टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब इसमें किसकी बात की जा रही है, वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स होंगे, और टाइम की बात की जा रही है कि कितने वर्कर्स कितने टाइम में काम करेंगे। ठीक है, अगर जैसे कि कोई भी कंपनी या कहीं पर भी, ये सिर्फ समझ कर आप लोगों को ये बताने की इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट है। ओके, अब इसमें क्या नंबर ऑफ वर्कर्स और इसकी बात की जा रही है, टाइम मीन्स किसी भी कंपनी में या कहीं पर भी कोई वर्कर्स, कोई पर्सन काम करते हैं, मान लीजिए 4 वर्कर्स हैं, ठीक है, और एक घंटे में काम कर रहे हैं, या फिर 4, ठीक है, जैसे कि 6 वर्कर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 6 वर्कर्स हैं और 3 आवर में अपना वर्कर कंप्लीट कर रहे हैं, अगर वर्कर्स और बढ़ा दिए जाएं, व्हाट इट मीन्स, वर्कर्स की संख्या और बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो काम और जल्दी हो जाएगा ना, अगर वर्कर्स की संख्या बढ़ा दी तो काम और जल्दी हो जाएगा, ये बात समझ आ रही है। ये खुद कॉमन सेंस लगाइए आप। अब जैसे कि कम लोग होते हैं तो काम करने में ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, और ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा पर्सन होते हैं, ठीक है, तो काम को करने में कम समय लगता है, इतनी बात समझ आई, मीन्स अपोजिट हो रहा है, तो ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसके फर्स्ट में क्या राइट कर देंगे, ठीक है, आप लोगों क्या करना है, सिर्फ आंसर राइट करना है, आंसर फर्स्ट। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, इस तरीके से इसको राइट कर देंगे। ओके, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या बता रहा है, कि इसमें इनवर्स होगा या डायरेक्ट होगा। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, अब जिसमें ये देखिए, इसमें टाइम और डिस्टेंस की बात की जा रही है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि एक घंटे में कोई भी कार है, बाइक है, उसको अपन मीन्स उसको चलने में 2 किलोमीटर लग रहा है। ठीक है, तो मीन्स ये है कि ये सब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, 1 आवर में कोई भी कार है 2 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, अगर जैसे कि अपन 2 आवर ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है ये भी तो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और 3 आवर हो जाएंगे, टाइम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितने किलोमीटर हो जाएंगे, 3 आवर मीन्स 3 घंटे में कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ओके, तो मीन्स क्या है, 1 इंक्रीज 1 डिक्रीज और सेकेंड में इंक्रीज।
ठीक है, इंक्रीज मीन्स दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। तो मीन्स ये देखिए, टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रही है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं तब क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन सेकंड के आंसर में राइट कर देंगे, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट इज एरिया ऑफ द कल्टीवेट लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टिंग। अब इसमें क्या बोला गया है कि एरिया ऑफ कल्टीवेट लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, ठीक है। अगर कम कल्टीवेट होगा तो मींस उस वो क्रॉप ज़्यादा हार्वेस्टेड होगा, ठीक है। अगर कल्टीवेट ज़्यादा करेंगे तो ये भी ज़्यादा होगा, ये कम करेंगे तो ये भी कम होगा। गॉट इट, मींस दोनों में सेम कंडीशन बनेगी तो ये भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मीन्स कैसे, जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि खेत में जो किसान होते हैं, ठीक है, जो फसल को काटते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए वो थोड़ा सा इतना पार्ट वो यहाँ पे इतना इतना, ठीक है, जैसे कि इतना है, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, कोई भी खेत है, तो यहाँ पर उसने इतना कल्टीवेट किया, ठीक है, इतना ही एरिया होगा। अगर वो ज़्यादा कल्टीवेट करेगा, हाफ कल्टीवेट करेगा, तो ज़्यादा एरिया, उतना ही एरिया को जितना कल्टीवेट करता जाएगा उतना ही मीन्स फसल कटती जाएगी, तो उतना ही एरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन, अगर ज़्यादा काटेंगे फसल तो ज़्यादा एरिया फाइंड होगा, कम फसल काटेंगे तो कम एरिया फाइंड होगा, ओके। तो मीन सेम कंडीशन बन रही, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज, ठीक है, तो इस तरीके से आंसर भी राइट कर देंगे क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ओके। द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो अब ये देखिए, द टाइम टेकन, इसमें टाइम और स्पीड की बात की गई है, ठीक है। कोई व्हीकल से अपन मीन्स किसी वाहन से अपन जा रहे हैं उसकी स्पीड से, ठीक है, और अपन को जर्नी कवर करना, फिक्स जर्नी है। फिक्स जर्नी बोले तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्कूल से घर जाते हैं, या फिर घर से स्कूल जाते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्कूल से आप लोग घर जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये देखिए एग्जाम्पल, अब स्कूल से होम जाते हैं, फिक्स जर्नी ना, आपको होम ही जाना है ना, घर पर जाना है ना, और कहीं तो नहीं जाना, फिक्स जर्नी बोला है तो फिक्स जर्नी के हिसाब से अपन इसको देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग ज़्यादा स्पीड से चलेंगे, फास्ट चलेंगे तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग बहुत स्लो चलेंगे, आराम आराम से चलना है घर पे, तो आप लोग ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आपके पेरेंट्स बोलते हैं आप इतनी देर कहाँ थे, क्योंकि आप आराम आराम से जा रहे थे। गोट इट, ये बात समझ आई। तो मीन्स ये कम ज़्यादा डिस्टेंस हो रही है, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा स्पीड से चलते हैं तो टाइम कम लगता है, और स्पीड कम कर देते हैं टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये अपोजिट हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो ये कौन सा होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। इस तरीके से फोर्थ में क्या आ जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन, ओके। नाउ लास्ट पॉइंट इज द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, ठीक है। तो मींस क्या है, जैसे कि कोई भी कंट्री में पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो मींस वहाँ पे क्या होगा कि मींस ज़्यादा एरिया कवर होगा। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो कम एरिया होगा। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों के पास 10 रुपीज़ हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, आप लोगों के पास 10 रुपीज़ हैं, ठीक है, 10 रुपीज़ हैं। अगर 10 रुपीज़ को 2% में बांटना है, तो ये बताइए कितने जाएंगे दोनों के पास, आधे 5-5 जाएंगे दोनों पर्सन के पास। यहाँ पे 2% है, ठीक है, दोनों को आप लोग 5-5 दोगे, क्योंकि आपके पास तो 10 ही है ना, दोनों को 5-5 दोगे तभी तो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड होंगे, गॉट इट। अगर आप लोगों को यहीं पे बोलो कि यहाँ पे 5% को देना है, 5% को देना है, ठीक है, 5% को देना है 10 रुपीज़, कैसे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 5% है तो सबके पास 2-2 रुपीज़ जाएंगे ना, 2-2 रुपीज़ जाएंगे, ठीक है। अगर 10 रुपीज़ को डिवाइड करेंगे तो 2-2 रुपीज़ जाएंगे सबके पास, गॉट इट। यही कंडीशन है कि अगर आप लोग यहाँ पे पर्सन बढ़ाते हो तो यहाँ पे रुपीस मीन्स क्वांटिटी कम होती जाएगी, ठीक है, कम रुपीस जाएंगे अगर आप लोग पर्सन बढ़ाते जाते हो, ओके। तो मीन्स ये साइन ये नहीं है, तो ये मतलब ये है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहे हैं, रुपीस कम होते जा रहे हैं, क्वांटिटी कम होती जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे पर्सन बिग होते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो वन इंक्रीज वन डिक्रीज क्या होता है, ये
इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, सूत्र में इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, इस तरीके से राइट कर दिया। ओके, तो ये अपना कौन सा था, सोल्व फर्स्ट। इस तरीके से इसमें आंसर राइट करना था। इसमें सिर्फ ये बताने थे कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है, लेकिन अगर जो इनवर्स नहीं है तो वो डायरेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन राइट कर दिया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, अब ध्यान से समझना इसको, ये भी आपका बेसिकली है, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है उसी कंडीशन में ये है। इन द टेलीविजन गेम शो, एक टेलीविजन गेम शो है, द प्राइस मनी, इसमें प्राइस मनी कितने की हो रही, टोटल कितनी है ये, 1 lakh। ओके, इज टू बी डिवाइडेड इक्वली, इक्वल इक्वल डिवाइड करना है विनर्स में, जो भी जो प्राइस मनी हो रही है, जो गेम शो था उसमें, मीन्स जो भी जीता है, जो भी विनर है, उनमें से इतने रुपीज हैं और विनर हैं जो भी, उनको डिवाइड करना है इतने रुपीज में, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, टेबल को कंप्लीट करना है। प्राइस मनी गिवन एंड इनविजुअली विनर इनडायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन, ये कब पता चलेगा कि डायरेक्ट या इनवर्स है, एक पूरे सोल्व करने के बाद पता चलेगा कि डायरेक्ट या इनवर्स है, ठीक है। कंडीशन मैंने बता दी है, डायरेक्ट दोनों इंक्रीज दोनों डिक्रीज, ठीक है, और इनवर्सली वन डिक्रीज वन इंक्रीज, ये होता है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद पता चलेगा। तो अभी ये देखिए, जिस तरीके से मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि जितने भी आप लोग, आपके पास 10 rupees थे, डिवाइड करते जाएंगे, पर्सन बढ़ते जाएंगे तो रुपीज की क्वांटिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, पर्सन यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, तो अब ये देखिए इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे अगर वन पर्सन है, मीन्स विनर्स हैं, वन विनर में एक ही पर्सन होगा, मीन्स एक ही विनर होगा अगर इतने रुपीज हैं, तो अकेला ओनली ये कुछ भी नहीं है, पहले सिर्फ इतने हैं, तो कितने रुपीज जाएंगे सबके पास, सारे चले जाएंगे, क्योंकि वो तो एक ही है ना, टोटल मनी इतनी है, तो उसके पास सारे दे देंगे। अगर दो में डिवाइड करना है तो इसके हाफ हाफ हो जाएंगे, तो मीन्स 50-50 जाएंगे। ओके, अगर फोर में डिवाइड करना है, अगर फोर में डिवाइड करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, तो फोर, तो मीन्स इसमें फोर का डिवाइड कर देंगे इस तरीके से कि कितने कितने सबके पास जाएंगे, अगर फोर पर्सन होंगे तो इसमें से डिवाइड कर देंगे, 2 2 4, 2 5 10, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, 2 1 2, 2 2 4, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 10, एंड यहाँ पे कितने जीरो और आ जाएंगे, 2 0, 3 0 बचेंगे तो 3 0, ठीक है। तो मीन्स अगर फोर पर्सन में, फोर विनर्स में डिवाइड करना होगा इतने रुपीस, कितने कितने रुपीस आएंगे, 25,000, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 25,000, गोट इट। अब फाइव विनर्स में करना है, फाइव विनर्स में, तो इसमें फाइव का डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, 5 1 5, 5 2 10, 4 0, ठीक है। तो अब कितने कितने रुपीस जा रहे हैं, अगर 5% में, ये 5% में 20,000, ओके, ये 4 0 आ जाएंगे। अब किस में डिवाइड करना, 8% में, ओके, इस तरीके से डिवाइड करते जाएंगे 8 में, 2 4 8, 2 5 10, 1 2 3 4 0, 2 4, ओके, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 3 0, अभी भी और ज़्यादा, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 5 10, और 2 0, ओके। तो मिस कितना आ गया, 12,500, यहाँ पे राइट कर देंगे 1 2 5 एंड 2 0। कितने कितने में डिवाइड करना है, अब 10 10% में डिवाइड करना है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना बचेगा ये, 1 2 3 4 0 बच रही, तो 10,000, ओके, कितने आ जाएंगे, 4 0, गोट इट। अब यहाँ पे कितने में डिवाइड करना है, 20 में, ठीक है, 20 में डिवाइड करना है इतने रुपीस को, 20, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10 एंड 3 0, तो टोटल कितने बच रहे हैं, 5,000, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, इसमें क्या बोला है कि इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन बताना, कैसे पता चलेगा, तो अभी देखिए कैसे पता चलेगा, यहाँ पे दोनों डिक्रीज है, दोनों इंक्रीज इनवर्स डायरेक्टली होता है, वन डिक्रीज वन इंक्रीज इनवर्स होता है। तो अभी देखिए विनर,
बढ़ते जा रहे हैं, 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 5, 5 से 8, 8 से 10 एंड 10 से 20, ठीक है। और जो प्राइस मनी है कितनी हो गई, 1 लाख से 50,000 हो गई, 50,000 से 25, 25 से 20, ये देखिए कम होते जा रहे हैं, ये भी कम हो गया, फिर ये 10,000 हो गए, और 10 से 5,000 हो गए। तो ये क्या है, ये चीज़ क्या है, इंक्रीज हो रही है और ये सी डिक्रीज हो रही है। वन इंक्रीज वन डिक्रीज क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन है होता है। तो इसके आंसर में क्या राइट कर देंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। गॉट इट, इस तरीके से आंसर इसमें राइट कर देंगे, बिकॉज इसमें वन इंक्रीज वन डिक्रीज हो रहा है। ओके, क्वेश्चन टू कंप्लीटेड।